ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो विड्रोवल करता है आपका गाइडलाइन में है कि नहीं है, वो भी हम लोग को पूरा रिटर्न फॉर्म में APSSB से चाहिए। और इसके बाद सवाल ये है कि उससे पहले, ये तो आज हम लोग को ऐसे मालूम चला है, पता चला है ये फर्स्ट टाइम, लेकिन उसका जैसे प्रीवियस पहले कितना लोग को कितना डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन आके भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करके ऐसे ऐसे क्या होगा, वो भी हम लोग पूरा डिटेल चाहिए। इंटीमेशन लेटर, इंटीमेशन लेटर गिवन टू द APSSB फॉर द विड्रोवल ऑफ द 47 MTS पोस्ट। जो APSSB संगठन के माध्यम से कई पदों की भर्ती की जाती है, उनमें से एक है MTS की पद। कल ही MTS की इम्तिहान हुई है, लेकिन इम्तिहान के ठीक दो दिन पहले ही बड़ा सवाल उठा है APSSB संगठन पर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि MTS पद के 47 पोस्ट को विड्रॉल किया गया है इम्तिहान के ठीक दो दिन पहले। अब इसका कारण क्या हो सकता है? क्या ये जाहिर है कि बिल्कुल इम्तिहान के दो दिन पहले ही इस तरह से पद को विड्रॉल करना, ये सवाल बड़ा सवाल है APSSB पर। जी बिल्कुल, या फिर पीछे के दरवाजे से कोई शामिल है, या इसका कारण क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया आज तक हुई है APSSB के गाइडलाइन के अंदर की इम्तिहान के ठीक दो दिन पहले इस तरह से 47 पोस्ट को विड्रॉल करना? बड़ा सवाल उठा है APSSB संगठन पर। आज AFTF टीम भी पहुंच चुके हैं APSSB ऑफिस के बाहर। चलिए उन्हीं के जुबानी सुनते कि अब तक APSSB की तरफ से क्या बयान मिला है इस सवाल को लेकर। तब तक देखते रहेगा आपका अपना चैनल, यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न जर्नल। मैंने सुना है कि बिल्कुल एग्जाम के दो दिन पहले ही MTS पोस्ट के 47 पोस्ट को विड्रॉल किया गया है, इसको लेकर हम देख सकते हैं कि आज आप APSSB ऑफिस आए हैं, कि आपने इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की कि अचानक से एग्ज़ाम के दो दिन पहले ही ऐसा क्यों हुआ, और साथ ही APSSB के गाइडलाइन के अंदर ऐसा कोई प्रक्रिया है कि दो दिन पहले ही 47 पोस्ट को विड्रॉल किया जाता है, क्या इसका जवाब आपने जानने की कोशिश की आज? हाँ, थैंक यू फॉर मीडिया फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हु वी आर द टीम AFTF अरुणाचल फ्रंटियर ट्रेवल फ्रंट, और हमारा जो टीम लीडर है तदक नालो सर, उसका ऑन बिहाफ में हम लोग आज यहाँ पे आया है, और APSSB ऑफिस में यहाँ पे हम लोग आज किस लिए आया है वो हम लोग क्लियर कट पब्लिक आप लोग को हम लोग बताएगा, और किस पर्पस में किस लिए क्यों आया है पूरा बता देगा। सबसे पहले हम लोग का सवाल ये है कि जो APSSB में जो ट्रिम्स से रिक्विजिशन लेटर भेजा गया है, जो कि 47 MTS पोस्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, तो उसका हम लोग का रिटर्न फॉर्म में उसका रिक्विजिशन लेटर APSSB से हम लोग को चाहिए। और सेकेंड पॉइंट है कि इंटीमेशन लेटर गिवन टू द APSSB फॉर द विड्रोवल ऑफ द 47 MTS पोस्ट, जो कि आफ्टर ये जो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जो विड्रोवल करता है ना, उसका इंटीमेशन लेटर चाहिए हम लोग को वो APSSB से। और रीज़न क्या, टॉप नंबर क्या है, द रीजन्स फॉर द विड्रोवल ऑफ द 47 MTS पोस्ट ना, वो किस लिए वो लोग विड्रोवल किया है, क्यों किया है ना, उसको भी हम लोग को चाहिए। और इसका बाद फोर्थ नंबर ये है कि हम लोग ये सवाल करता है कि क्या APSSB आपका गाइडलाइन में ऐसा गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन में है कि नहीं है प्रोविज़न, जो कि ऑलरेडी जो एडवर्टीजमेंट करने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट करने के बाद जो विड्रोवल करता है आपका गाइडलाइन में है कि नहीं है, वो भी हम लोग को पूरा रिटर्न फॉर्म में APSSB से चाहिए। और इसके बाद सवाल ये है कि उससे पहले, ये तो आज हम लोग को ऐसे मालूम चला है, पता चला है ये फर्स्ट टाइम, लेकिन उसका जैसे प्रीवियस पहले कितना लोग को कितना डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन आके भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करके ऐसे ऐसे क्या होगा, वो भी हम लोग पूरा डिटेल चाहिए APSSB से। और इसके बाद यहाँ से हम लोग ये अभी APSSB यहाँ से हम लोग जितना जो जानना था करना था यहाँ पे आज आने के बाद जो ऑफिस अंडर गया है, ऑफिस में गया है जो कि कंसर्न ऑफिसर है 47 MTS पोस्ट का, जो उसका जो नोडल ऑफिसर है अंडर सेक्रेटरी, वो सर भी पूरा आज बिजी में है। सब जो कंसर्न APSSB का कंसर्न ऑफिसर आज सब लोग बिजी में है। बिजी इसलिए है कि वो लोग कल यस्टरडे में जो APSSB का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसको वो लोग पूरा उसका काम में आज पूरा लगाए उसमें काम पूरा बिजी में लगाया गया है वो लोग जो। और इसका बाद आज हम लोग को वो लोग कंसर्न ऑफिसर को नहीं मिला है, फिर भी हम लोग उसका बाद में हम लोग वापस आके इसको हम लोग अपडेट लेने आएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग कुछ भी रिटर्न फॉर्म ऐसे लिख के नहीं दिया है, बस वही था कि हम लोग सबसे पहले हम लोग ये लोग से इंक्वायरी करने आया था।
तो उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से ट्रिम्स तुरंत जा रहा है, ट्रिम्स में भी हम लोग जा रहा है, वहाँ में किसले क्यों उसको वहाँ से किसे करके रिक्वेजेशन भेजा है, कितना वैकेंसी पोस्ट है, कितना है, वो हम लोग वहाँ से भी हम लोग जानने जा रहे हैं। इसलिए जो हम लोग आज यहाँ पे आया है, जो कंसर्न ऑफिसर है सब बिजी में है, और फिर आज बिजी होने से भी हम लोग नेक्स्ट टाइम काल परसों हम लोग आएंगे, और एनी हाउ जिससे भी हो हम लोग को रेस्पॉन्स चाहिए, आपका रीज़न क्या है, किस लिए और क्यों किया गया है, वो हम लोग को जिससे भी करके चाहिए, और हम लोग इसमें जब तक हम लोग का हम लोग को उसको फुल इन्फॉर्मेशन सब कुछ क्यों किया गया है जब तक नहीं मिलेगा, हम लोग तब तक हम लोग अपडेट लेते रहेंगे और करते रहेंगे।